नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सी टाइम्स के आज के इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष थानेश्वर महावर जी से। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। रचना जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए कि आपका राजनीति में पदार्पण कैसे हुआ? रचना जी, मैं तो एक स्पोर्ट्समैन था और स्पोर्ट्स ही मेरा एक जीवन था और बहुत ही मेरे गुरुजनों ने मुझे मैराथन कराते थे। जी मैं अच्छा रेसर था। उसके बाद मैंने हैंडबॉल खेलना चालू किया। उसके बाद बहुत सारी बच्चियां और बच्चे मेरे अधीनस्थ खेलने में आते थे, मेरे जूनियर थे जी। और खेल की दुनिया इतनी अच्छी थी कि उसके बाद एकाएक बीच में कुछ राजनीतिक लोगों ने परिवार के लोगों को परेशान किया, उसके कारण मुझे राजनीति में आना पड़ा। और समाज सेवा करना बचपन से ही था, रक्तदान करना ये सब मेरी आदत में था जी। और जिसके कारण मैं फिर ये राजकारण में लोगों ने मुझे नेताजी नेताजी कहने लगे और फिर मेरे को चुनाव लड़ना पड़ गया। ओके जी। तो आप खेल की दुनिया बिल्कुल अलग होती है और राजनीति की बिल्कुल अलग। तो आप राजनीति में आए तो आपने शिवसेना को ही क्यों चुना? ऐसा क्या खास बात, किसने आपको आकर्षित किया कि आप शिवसेना ज्वाइन की? एक बचपन से चूंकि पिताजी का मिलिट्री की तरफ में था और उसके बाद सेना हमें बचपन से बहुत पसंद थी और उसके साथ साथ माननीय सुभाष चंद्र बोस जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये इनके हम फैन थे। और उसके बाद में उस समय में एक समय था कि जब आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी, जिनका पूरे देश के अंदर वो जो कहते थे अपनी बात को मनवाते थे, उनकी बात हमेशा अडिग रहती थी और संकल्पित रहती थी और वो जो कहते थे उसमें बहुत ही ताकत होती थी और उनकी बात सनातन धर्म के लिए एक रक्षा कवच के रूप में होती थी। तो हमें ऐसा लगा कि हमें उनकी शरण में जाना चाहिए और उन्होंने और उनकी बातों ने हमको काफी आगे बढ़ाया और उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम राजकीर्तन की तरफ आगे बढ़े। ओके। तो अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसके परिप्रेक्ष्य में आपकी क्या राय? मध्य प्रदेश विधानसभा में चूंकि हम माननीय एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनके साथ में है, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुत्व को माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी की तरफ से धक्का लगा, उनके चाहने वाले जो माननीय बाला साहब ठाकरे जी के आदर्शों पर चल रहे थे और हिंदूवादी संगठन के रूप में शिवसेना पहचानी जाती है, तो वो कहीं ना कहीं उस बात से हटे जिसके कारण ये घटनाक्रम हुआ और माननीय एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। और उनके साथ में हम अब मध्य प्रदेश के अंदर या देश के किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने के लिए अभी माननीय एकनाथ शिंदे जी बहुत जल्दी मीटिंग करने वाले हैं। उसमें प्रयास ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लड़ना है या अलग से लड़ना है, ये अभी तय होने वाला है। जैसे ही वो तय होगा उसके बाद में हमारा आगे का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हमारी तैयारियां पूरे मध्य प्रदेश में और हर जिलों में हमारी तैयारियां चल रही हैं। हमारा संगठन का काम अपना चल रहा है। जैसा भी निर्णय होगा जनता के हित में वो काम किया जाएगा। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, निर्णय लिया जाने वाला है। तो अगर हरी झंडी मिल जाती है तो और आप सत्ता में आते हैं या सत्ता में सहभागी बनते हैं तो आपकी क्या योजनाएं होंगी जनहित की? मध्य प्रदेश में अंकुश सरकार पर होना बहुत आवश्यक है। कोई भी सरकार हो या कोई व्यक्तिगत व्यक्ति भी हो, अगर उसके ऊपर कोई घर परिवार का अंकुश नहीं होता है तो निर्णय गलत होते हैं और जनता के हित में काम हो नहीं पाता है, आदमी बेलगाम हो जाता है। तो अगर हम लोगों को मौका मिलता है, हम लोग चुनाव लड़ते हैं, सरकार में आते हैं, भागीदार बनते हैं, तो
जनमानस जो आजादी के बाद से आज तक ठगाया सा महसूस हो कर रहा है, उनको उनके मौलिक अधिकार जो होने चाहिए उससे वो वंचित है, वो दिलाने का एक प्रयास किया जा सकता है। जी देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दो बड़ी पार्टियां हमारे देश में हैं, और तीसरी आम आदमी पार्टी भी काफी मजबूती से उभर कर आ रही है। ऐसे में अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है या सहभागिता बनती है तो आप स्वयं को कहाँ देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी एक समय ऐसी पार्टी थी जिसके मात्र पूरे देश में दो लोग चुन के आते थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी, और उसके बाद उन्होंने रथ यात्रा निकाली जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का वो स्वरूप बहुत बड़े रूप में उभर के आया है। इसी प्रकार से कांग्रेस ने भी अलग अलग जगहों पे अपना, शुरू से देश आजाद हुआ और कांग्रेस के पास ही सत्ता रही है, और उनके काम ना करने के कारण, समाज को सही दिशा ना देने के कारण, या समाज के लोगों ने उनको उपयुक्त नहीं समझा कि ये हमारी सेवा में खरे उतरे, इसलिए उनको हटाया गया और मोदी जी को मौका मिला। उसी बीच में जहां पर लोगों को दोनों से संतुष्टि नहीं मिली, तो कई जगह आपने देखा होगा कि जब दोनों सरकारों से, दोनों लोगों से आदमी संतुष्ट नहीं होता तो किन्नरों को तक जिताया है लोगों ने, और वो उसी का एक उदाहरण है कि जब आदमी थक जाता है, पक जाता है कि नहीं ये लोग काम नहीं कर रहे, जब काम नहीं कर रहे तो ऐसे को वोट दे दो इनसे अच्छा। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार बनाए, पंजाब में सरकार बनाए, तो सरकार बनाने का मतलब ये नहीं है कि पूरी जनता उनको बहुत चाहती है, लेकिन जब दोनों पार्टियों से लोगों को काम नहीं मिला, उनकी उपेक्षाओं पे वो खरा नहीं उतरे, उनके जो मूलभूत सुविधाएं थी वो नहीं दे पाए, उससे वंचित थे, तो लोगों ने सोचा एक बार इनको भी मौका दो, और वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खरे उतरे होंगे, इस कारण से जनता उनको पुनः चुन रही है। और उसी जगह पे हम लोगों को भी अभी समझौते में स्थान मिलता है तो निश्चित तौर पे हम लोगों को जहां मौका मिलेगा वहां हम लोग ऐसा काम करके दिखाएंगे जिससे कि जनता हम लोगों को भी आगे मौका देगी। जी, तो अगर जबलपुर के हित की बात करें तो जबलपुर के साथ विकास को लेकर न्याय हुआ है या नहीं, चाहे सरकार किसी की भी हो? देखिए, राजनीतिक रूप से अगर हटके अगर हम बात करते हैं तो आज तक जबलपुर के इतिहास में जबलपुर को कोई भी ऐसा लीडर नहीं मिला जिसने जबलपुर के युवाओं के रोजगार के लिए बहुत कुछ किया हो। जबलपुर में स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो एकदम ठप हैं, हर आदमी को विश्वास ही नहीं जागता है, वो हर आदमी नागपुर या बॉम्बे जाना चाहता है, मद्रास जाना चाहता है, मगर जबलपुर में इलाज नहीं कराना चाहता है, तो ये संतोषजनक नहीं है। इसके लिए यहाँ के युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो जनप्रतिनिधि, जो जबलपुर की जिम्मेदारियाँ जिनके पास हैं, उनको इस विषय पे कुछ करना चाहिए, नहीं तो इनके भी लिए जनता जनार्दन हो सकता रोड पर आए। जी, तो ये तो आपने सत्ता में अभी अब तक रही पार्टियों के बारे में बताया, लेकिन आपने जबलपुर के विकास को लेकर क्या कदम उठाया? देखिये, मैं तो एक सिर्फ पार्षद के रूप में चुनकर के आया और मैंने देखा जबलपुर में जब किसी के यहाँ दुख होता है तो उस समय गाड़ियों का अभाव था, तो उसके बावजूद भी हमने शिवसेना की तरफ से एक हमारे आदरणीय केंद्र के भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते साहब थे, उनसे हमने एक यहाँ पे नगर निगम को सवान भी दिलाया जिससे कि लोगों के दुख में काम आ सके। उसके बाद यहाँ के उद्योगपति जो हैं उनकी जबलपुर में भी बैठक कराई और जबलपुर के उद्योगपतियों को ले जाके हमने दिल्ली में भी बैठक कराई, और उस बैठक में यहाँ के उद्योग मंत्री, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री, यहाँ के माननीय महापौर, उनको भी बुलाया गया था, लेकिन ये तीनों की निरंकुशता के कारण ये लोग नहीं पहुंचे, जिसके कारण माननीय गीते साहब चाह रहे थे कि जबलपुर शहर में कोई बड़ा उद्योग लगे, लोगों को रोजगार मिले, और ये हमारे प्रयास से यहाँ लगातार हुआ,
लेकिन यहाँ के राजनेताओं ने उसमें सहयोग नहीं किया कि शिवसेना का नाम बढ़ जाएगा, इसलिए उन्होंने सहयोग नहीं किया, जिसके कारण यहाँ के रोजगार हम दिला नहीं पाए। जी, तो अगर शिक्षा का जो स्तर है हमारे प्रदेश में, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, शिक्षा का मेरे संतुष्ट होने का कोई विषय नहीं है जी, क्योंकि मेरी पढ़ाई का समय तो निकल चुका जी, लेकिन जबलपुर के जो हमारे युवा नए हैं, नई पीढ़ी है, नए युवा हैं, नई युवतियां हैं, उनको अगर यहाँ का शिक्षा का स्तर अच्छा होता तो शायद उनको पूना नहीं जाना पड़ता, शायद उनको मद्रास नहीं जाना पड़ता, शायद दिल्ली नहीं जाना पड़ता, सबसे ज्यादा कोटा जा रहे हैं, कोटा भी नहीं जाना पड़ता, और तो और जबलपुर के बच्चे तो इंदौर में जाकर के रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शर्मनाक है जबलपुर के लिए कि जबलपुर के राजनेताओं ने यहाँ पे किसी प्रकार का कोई हब नहीं बनाया जिसके कारण बाहर के बच्चे यहाँ आ सके। यहाँ के बच्चे बाहर जाना ये भी दुर्भाग्य है कि और उसमें राजकरण में जो बैठे हैं प्रमुख रूप से, उन लोगों को चाहिए कि इसके लिए प्रयास करें। हमारा तो एक प्रयास ऐसा है कि हम अभी किसी पद पर नहीं है, किसी उस पर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कंप्यूटर क्लास लगाना या लोगों को निःशुल्क पढ़ाना, जो जो काम हो सकता है वो हम अपने स्तर पे लगातार करते रहते हैं। जी, तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वर्तमान सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? अभी थोड़े दिनों पहले कोरोना महामारी आई, जिस कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार ने आनन फानन में वैक्सीन बनवाए और वैक्सीन लोगों को लगी, लेकिन आज उस समय कोरोना बीमारी से लोग खत्म हो रहे थे, आज वो वैक्सीन जिनको लग गई है, ऐसा बहुत सारे जिलों में बहुत सारे डॉक्टरों से, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के जो हमारे परिचित के लोग हैं उनसे बात हुई, वैक्सीन के बाद कुछ लोगों को दिखना कम हो गया, कुछ लोगों के घुटने में दर्द होता है, कुछ लोगों को चलने से सांस फूलने लगती है, और बहुत ज्यादा मात्रा में अटैक से लोग खत्म हो रहे हैं। और जिसमें वो जो जानकार लोग हैं उनका ये कहना है कि वैक्सीनेशन का ये दुष्प्रभाव है। तो मेरा तो आपके माध्यम से सत्तासीन राजनेताओं से, सम्मानीय जनों से मेरा यही कहना है कि आज कई परिवारों में जो एक व्यक्ति पूरे परिवार को लेकर चल रहा है, अगर वो भी हृदयघात की बीमारी से खत्म हो जाता है तो उसके परिवार को कौन चलाएगा? ये बड़ा गंभीर है। इसके लिए उस वैक्सीनेशन से क्या क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं उसकी जांच होना चाहिए, और लोगों को उसके लिए कौन सी दवाइयां होनी चाहिए उस दवाई पे ध्यान देना चाहिए। जी, आप भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं पहले, तो ऐसे में खिलाड़ियों को लेकर जो सुविधाएं होनी चाहिए, क्या वो उन्हें मिल पा रही है? देखिए, जबलपुर संस्कार धाने में जितने पुराने खिलाड़ी हैं वो सब जानते हैं कि यहाँ जेईए एक संस्था होती थी, जबलपुर एथलेटिक एसोसिएशन एजुकेशन एक सोसाइटी होती थी, जिसमें सारे स्कूल के एक एक टीचर शामिल रहते थे, और वो टीचर अपने अपने स्कूलों में गेम खिलाते थे, उनका टूर्नामेंट होता था, और उससे बच्चे निकलते थे तो इंडिया के बाहर तक जाकर के जीत के आने वाले पहलवान उस समय यहाँ तैयार हुए, एथलेटिक वाले तैयार हुए। लेकिन यहाँ के उस जेईए जो संस्था थी उसको लोगों ने बंद करा दिया, और उसके बाद जो हमारा स्टेडियम बनना था रानीताल में उसको भी कुछ टुकड़ों टुकड़ों में करके उसको छोटा मैदान कर दिया, जबकि यहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल गेम जबलपुर में हो सकें, इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं हो सकें, लोगों को क्रिकेट मैच देखने के लिए नागपुर, रायपुर, इंदौर जाना पड़ता है, वो मैच जबलपुर में भी देखने के लिए लोग आ सकें, ऐसा सौभाग्य भी हम लोगों को प्राप्त होना चाहिए। उसके लिए भी मैं यहाँ के जो जिम्मेदार गण हैं उनसे आग्रह करता हूँ कि जबलपुर में भी ऐसा बड़ा स्टेडियम होना चाहिए। जी, मैं वहीं आ रही थी कि जबलपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम की मांग समय समय पर उठती रही है, ऐसे में आपका क्या विचार है, मतलब आप और कितना जोर लगाएंगे कि ये मांग अतिशीघ्र पूरी हो सके?
देखिए अभी तो चुनाव का समय आ गया। अब चुनाव के समय में तो सारा कुछ घोषणाएं लोग करेंगे, लेकिन ये चुनाव के बाद हम जरूर जिन विषयों पे आपके साथ हमारी चर्चा हुई है, इसके लिए हम पहले आवेदन, निवेदन और नहीं तो पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन, इस काम को करके हम जबलपुर शहर संस्कार धानी के लोगों को न्याय दिलाने का काम पूरा करेंगे। जी, युवाओं में उन्हें रोजगार दिलाने के लिए क्या और योजनाएं लानी चाहिए कि लगभग सभी को रोजगार मिल सके? देखिए जब हम राजनीतिक दबाव से हटके अगर बात करेंगे तो हमारे यहाँ इतनी खनिज संपदा है जो ट्रेनों में भर भर के विदेशों में जा रही है। कुछ चंद लोग अपना जेब भर रहे हैं उसमें, जी उस खनिज संपदा को बाहर जाने से रोकना चाहिए। उस खनिज संपदा में क्या क्या चीजें बन सकती हैं उसके उद्योग डलने चाहिए। उसके उद्योग डलेंगे तो उसमें बेरोजगार जो हमारे यहाँ के युवा हैं वहाँ इंजीनियर से लेके लेबर तक के काम निकलेंगे, जी और जो हम बाहर विदेशों से जो चीजें खरीद रहे हैं, हम विदेशी चीजों का बहिष्कार करने की बात करते हैं, विदेशी चीज को उपयोग ना करो इसकी बात करते हैं, लेकिन हम अपने यहाँ की खनिज संपदा बाहर क्यों बेच रहे हैं उसको रोकना चाहिए। और कटनी से लेके सिहोरा से लेकर के सिलिमनाबाद तक और सब जगह खनिज संपदा भरी हुई है, लेकिन उसके ऊपर रोक लगना चाहिए, उस पर बड़ी फैक्ट्रियां डलना चाहिए और हमारे जबलपुर जिले के लोगों को उसमें रोजगार बहुत मात्रा में मिल सकता। जी कोविड के समय आपने जनहित के और क्या-क्या कार्य किए? कोविड का समय बड़ा दुर्भाग्य था, ईश्वर करे कभी ऐसा मौका ना आए, लेकिन उस समय में हमारे परिवार के लोगों ने हमको निश्चिंत होकर बाहर छोड़ा कि आप जाएं और सेवा करें। उसके बाद लगातार 78 दिन तक हम लोगों ने 2-3 हजार लोगों को सवेरे शाम घर घर खाना पहुंचाने का काम करते थे, घर घर काढ़ा पिलाने का काम करते थे, घर घर होम्योपैथी की ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाने के लिए जी दवाइयां देते थे, जिसके कारण हमारे क्षेत्र में ना के बराबर कैजुअलिटी हुई। और इसी प्रकार से कभी देश में और प्रदेश में और जिले में कभी कोई बड़ी ऐसी महामारी ना आए, लेकिन सब प्रकृति का विषय है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ चल रहा है। प्रकृति पहले ये होता था कि हम लोग दौड़ने जाते थे तो रानी दुर्गावती किले के पीछे जो पहाड़ियां हैं उससे पानी बारहमासी बहता था, हमारे गुरुजी हम लोगों को दौड़ाते ले जाते थे, हम लोग कहीं भी ऐसे हाथ लगाते थे और पानी पी लेते थे। आज वही पानी 500 फुट नीचे चला गया है। ये एक गंभीर है, मैं आपके माध्यम से लोगों से आह्वान करूंगा कि हमारा जो पानी है पहले ऊपर बह रहा था, दो दो चार चार फुट पे मिल रहा था, आज वो 500 फुट नीचे चला गया है। उसमें कहीं ना कहीं हम और आप सब दोषी हैं, जो हम पानी व्यर्थ बहा रहे हैं उस पानी को रोकना चाहिए। उस पानी की आवश्यकता है, कल बूंद बूंद के लिए युद्ध हो सकता है, इसलिए ये माँ नर्मदा जी का पवित्र क्षेत्र है और हम माँ नर्मदा जी के जल के लिए वहां जाकर के आचमन करते हैं, और वही माँ नर्मदा जी का जल हम घर में पड़ोसी को ना मिल सके इसलिए हम सटक लगा करके उसको बाथरूम में बहाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसके भी पाप के भागीदार हैं। हम आप सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि माँ नर्मदा जी का जल बचाएं, कुएं बावली बचाएं, तालाब बचाएं। हमारा शहर ताल तलैयों का शहर था, 52 तालाब में से कुछ गिनती के तालाब बचे हैं, बाकी सारे के सारे नेताओं के झोली में जा चुके हैं, बिल्डिंगें तन चुकी हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं जो बचा है उसको बचाएं और हम स्वस्थ हवा मिल सके वृक्ष जरूर लगाएं। आपने अपने स्टूडियो में मुझे अवसर दिया और मैं शहर संस्कार धानी के बारे में जितना मेरा चिंतन था, अगर कहीं मुझसे कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो
तो हम बात कर रहे थे शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष ठाणेश्वर महावर जी से, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बड़ी खुलकर बेबाकी से चर्चा की है। इसी तरह और भी मुद्दे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।